चतुर हंस। जंगल में एक घना विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर बहुत से हंस निवास करते थे, जिनमें एक बूढ़ा हंस अत्यंत चतुर और दूरदर्शी था। सब उसकी बात मानते थे और सम्मान करते थे। एक दिन उसने वृक्ष पर एक छोटी लता को लिपटे हुए देखा। इस पर बूढ़े हंस ने सभी को समझाया, इस लता को नष्ट कर दो, नहीं तो यह लता एक दिन मृत्यु का कारण बनेगी। इस पर एक युवा हंस हंसते हुए आश्चर्य से बोला, यह छोटी सी लता मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है? बुद्धिमान हंस ने समझाया, आज देखने में यह लता छोटी लग रही है, यही कुछ दिनों में ऊपर तक लिपटते हुए चढ़ जाएगी और वृक्ष पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का काम करेगी। कोई भी शिकारी उसके सहारे चढ़कर हमें पकड़ सकता है। इस पर दूसरे हंसों को विश्वास नहीं हुआ कि एक छोटी सी लता सीढ़ी कैसे बन जाएगी। तीसरे हंस ने कहा, तुम बूढ़े और चतुर जरूर हो, किंतु अपनी बुद्धि से हमें डराना चाहते हो। इस प्रकार किसी भी हंस ने बूढ़े हंस के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनमें दूर की सोच नहीं थी। कुछ समय बीतने पर लता तने और डालों पर लिपटती हुई ऊपर तक पहुंच गई। अब लता सीढ़ी जैसी बन गई, जिस पर चढ़कर पेड़ के ऊपर तक कोई भी आसानी से जा सकता था। अब बूढ़े हंस की बात सच साबित हुई, लेकिन उस मजबूत लता को नष्ट करना किसी हंस के वश की बात नहीं थी। एक दिन सभी हंस दाना चुगने बाहर गए थे। इसी बीच अवसर पाकर एक बहेलिए ने अपना जाल पेड़ पर चढ़कर बिछा दिया। संध्या के समय सारे हंस पेड़ पर बसेरे के लिए लौट आए और पेड़ पर बिछे जाल में फंस गए। इस पर सभी हंस दुखी हुए और बूढ़े हंस की बात ना मानने के कारण लज्जित थे। जाल से छुटकारा पाने के लिए सभी हंसों ने बूढ़े हंस से उपाय पूछा और आगे से उसकी हर सीख को मानने का वचन दिया। सबकी बात सुनकर बूढ़े हंस ने उपाय बताया, कल प्रातः जब बहेलिया तुम सबको पकड़ने आएगा, उस समय मरे हुए का नाटक करना। इस पर वह तुम्हें एक एक करके नीचे रखेगा। आखिरी हंस जब नीचे जमीन पर रख दिया जाएगा, तब मैं विशेष ध्वनि संकेत करूंगा और तुम सभी एक साथ उड़ जाना। प्रातः वह बहेलिया आया, जिसे देखकर हंसों ने मरे हुए का नाटक कर लिया। बहेलिया हंसों को मरा हुआ मानकर उन्हें जमीन पर फेंकता गया। जब सभी हंस जमीन पर आ गए, तब बूढ़े हंस ने विशेष ध्वनि बजाई, जिसे सुनकर सभी हंस एक साथ उड़ गए। बहेलिया आश्चर्य से देखता रह गया।